क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, राइट अ नोट ऑन गुज़ीपे मेज़िनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के चार पार्ट्स है, ए बी सी डी, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ए हमें दिया है राइट अ नोट ऑन गुज़ीपे मेज़िनी। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। गुज़ीपे मेज़िनी, गुज़ीपे मेज़िनी वॉज बॉर्न इन जेनोआ इन 1807। तो देखो, गुज़ीपे मेज़िनी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, जेनोआ में हुआ था। वो कहाँ का पार्ट है, वो इटली का पार्ट है। इटली जो कंट्री है उसका एक पार्ट है जेनोआ, तो उधर हुआ था इनका जन्म 1807 में। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लुजीरिया। तो देखो, ये पॉइंट अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊँ तो देखो, ये क्या थे, एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, जैसे कि आप और मैं इंडियन नेशनलिस्ट है, वैसे ही इटालियन नेशनलिस्ट थे ये। तो ये क्या करते थे, धीरे धीरे इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट की, क्योंकि फ्रांस में उस टाइम पे मोनार्की का रूल चालू था। तो इटली में ही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग राजा रूल करते थे, अलग अलग मोनार्की रूल करते थे। तो इससे क्या होता था, वो जो उनकी कंट्री थी वो नेशन स्टेट नहीं कहलाती थी। अब नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट मतलब कि एक कंट्री का स्पेसिफिक बाउंड्री होना, मतलब एक कंट्री पूरी डेमोक्रेटिक होना और साथ ही साथ उनका पूरा बाउंड्री होना। कभी क्या क्या हो जाता था कि देखो, कभी कोई कंट्री आके क्या करती थी, मतलब कोई किंगडम आके क्या करती थी, उनकी जगह कैप्चर कर लेती थी, उनमें वॉर हो जाती थी, तो उनका स्पेसिफिक एरिया नहीं होता था। तो इसलिए क्या करते थे, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट की, ताकि जो मोनार्कीज हैं उनके साथ रिवॉल्यूशन होके हम लोग को छुटकारा मिलने लगे। तो लेकिन एक काम करने लगे इटली के यूनिफिकेशन पे। तो अगर मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊं तो देखो, ये पूरी इटली है। अब ये इटली है तो देखो, ये नॉर्दर्न पार्ट है इटली का, इधर कोई और राजा रूल करता है, ये मिडल पार्ट है, और ये देखो साउदर्न पार्ट है इटली का, और इस साथ ही साथ इस एरिया में भी इटली के। तो मतलब पूरी जो इटली है उसको अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं, अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हम इनको क्या बोल सकते हैं, नेशन स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं इधर। तो इसलिए ये सब सिस्टम को ख़त्म करने के लिए क्या करते थे, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट की। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन लाने का स्टार्ट किया। तो जब रिवॉल्यूशन लाने गए तो वो रिवॉल्यूशन में फेल हो गए। तो अब इधर से ये पॉइंट आता है। तो देखो, जब ये रिवॉल्यूशन में फेल हो गए तो उन्हें क्या हुआ, देश से निकाल दिया गया। तो इसको ही बोला जाएगा एग्जाइल। एट द एज ऑफ 24, जब वो 24 साल के थे, तब वो रिवॉल्यूशन लाने के चक्कर में उधर रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, ताकि क्या हो जाए, उनका जो ये है इटली है वो थोड़ा सा आज़ाद हो जाए, उन्हें डेमोक्रेसी मिले। लेकिन क्या हुआ, वो क्या हो गए, फेल हो गए इसमें, और उन्हें देश से निकाल दिया गया। तो क्या हो गया, एट द एज ऑफ 24, जब 24 साल के थे तब उन्हें क्या किया गया, देश से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की थी, कहाँ, लुजीरिया में। ये समझा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पर देखते हैं। ही फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम यंग इटली इन मर्सलीज एंड द यंग यूरोप इन बर्न। फिर भी देश से निकालने के जाने के बाद भी इन्होंने अपना काम जारी रखा, किसी ना किसी तरह से ये सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट किए और उधर रिवॉल्यूशन लाने का प्रयास किए। मतलब कि देखो, वो उनको देश से निकाल दिया गया था, तो भी क्या हुआ, उन लोग ने लोगों के मन में क्या किया था, इच्छा जगा दिया था कि हमें अपने कंट्री में क्या चाहिए, पूरा डेमोक्रेसी चाहिए। सो देखो, इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो अब देखो, ये थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है इधर से। ही फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम यंग इटली इन मर्सलिस। तो एक सोसाइटी का नाम था यंग इटली, वो जो कहाँ बनाया था इन लोगों ने, इन्होंने मर्सलिस में, और देन यंग यूरोप इन बर्न। तो देखो, इन्होंने दो सोसाइटी बनाई थी। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। देखो, इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग एरिया के लोग मिलकर एक कंट्री बनाना चाहते हैं और इसमें भगवान की भी इच्छा है, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और साथ ही साथ इनका सोचने का नज़रिया ये था कि देखो, मेरा देश टुकड़े में नहीं रहना चाहिए, मेरा देश एक साथ, मतलब पूरा देश बन के रहना चाहिए, नेशन यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी स्पेसिफिक बाउंड्री होनी चाहिए, ये इनका सोचने का नज़रिया था। तो ये चार थे इनके मेन पॉइंट्स। अब दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में आपको बड़ा आंसर लिखने को आ गया या बड़ा मार्क्स का पूछा गया, तो ये आप स्टार्टिंग में ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। गुज़ीपे मेज़िनी वॉज एन इटालियन पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट। तो ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट में। और साथ ही साथ देखो, वो जो मतलब जब वो फ्रांस में थे, जब उन्हें
बाहर नहीं निकाला गया था देश से, तब उन्होंने क्या किया था, उन लोगों ने जब अलग अलग सोसाइटी बनाई थी, कौन सी सोसाइटी थी वो, ही वॉज अ मेम्बर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। तो ये दो पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, कहीं भी आप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में मत करना, लास्ट में वो जो मेन पॉइंट है वो आपको रहने देना है, फर्स्ट सेकेंड पॉइंट में या थर्ड पॉइंट में ऐड कर सकते हो। तो यही था क्वेश्चन, अगर आपको और ब्रीफ में जानना है तो आई बटन पे आपको दिया गया है कुजीबी मजेनी के बारे में, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन 1 का बी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए।